हेलो गाइस, मैं उड़ीसा पास्टर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज के वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि आप अपने पुराने पीसी को, पुराने लैपटॉप को स्क्रीन टच कैसे बना सकते हैं। तो गाइस, आपको ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। और उससे भी पहले कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। इससे हमारी अपकमिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी और आप उसे सबसे पहले देख पाओगे। तो गाइस, चलिए बिना समय गवाए आज का जो टॉपिक है उसे हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए लैपटॉप पे। तो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं उस डिवाइस के बारे में जिसका नाम है एयरबार। तो गाइस, चलिए मैं आपको उसका पिक्चर दिखला देता हूँ। वो कुछ इस टाइप का दिखता है। यही है वो डिवाइस एयरबार, जो कि अभी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेरे पीसी के स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं आपको इसका एक और पिक्चर दिखला देता हूं। आप ये इसका एक और पिक्चर देख सकते हैं। ये बहुत सारे वेरिएंट्स में, ये दो तीन वेरिएंट्स में आती है। इसका नाम है एयरबार और ये पीसी के स्क्रीन के हिसाब से आती है। ये है 15.6 इंच का मेरा पीसी है, ये 15.6 इंच का ही एयरबार है। ये 14 इंच का भी आता है। अब मैं आपको इसके बारे में बतला दूं कि ये यूज कैसे होता है, तो मैं इसके बारे में आपको पूरा इसका स्पेसिफिकेशन सब कुछ बतला देता हूं। इसमें एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा जूम कर लूं। और मैं इसका लिंक आपको, परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि ये अमेज़न पे मिलता है। पहले आपको अपने पीसी के हिसाब से जितना भी इसका डिस्प्ले हो उस हिसाब से इसे ऑर्डर करना है, 15.6 या फिर 14 इंच, कितने इंच का आपका पीसी है। फिर आपको करना क्या है कि ये डिवाइस जो आएगा उसमें उसके जस्ट पीछे ये दो पेज उखाने रहती है, दो मैग्नेट के पास से। तो आपको वो दोनों पेज हटा लेना है, ये राउंड जो यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे, और उसके बाद फिर आपको उसे जस्ट यहाँ पे नीचे में इसे यहाँ पे लगा देना है। ये अपने आप चिपक जाता है क्योंकि उसमें मैग्नेट लगा रहता है, तो यहाँ पे चिपक जाता है। इसमें फिर आपको किसी भी तरीके से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, बस इसे सिंपल से आपको यहाँ पे प्लेस कर देना है, जो कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इसे आपको यहाँ प्लेस कर देना है और उसके बाद इसका यूएसबी एक केबल रहता है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने पीसी में आपको उसे कनेक्ट कर देना है। और बस फिर आप जहां भी टच करोगे, तो ये काम कैसे करता है कि ये यहां से ये एक रे छोड़ता है जो कि आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन आप जहां टच करते हो तो वो गेस्चर करके सॉफ्टवेयर में डाल देता है। और उतना ही बहुत ये फास्ट काम करता है, जिससे कि आपका ये बिल्कुल एक स्क्रीन टच फोन की तरह आपका काम करेगा। तो इससे आप कुछ भी कर सकते हो, ड्राइंग कर सकते हो, पिक्चर स्लाइड कुछ भी कर सकते हो, जो कि आप एक स्क्रीन टच लैपटॉप में, पीसी में कर सकते हो। तो इसको लगाने के बाद आपको बिल्कुल आपका पीसी एक स्क्रीन टच हो जाएगा। और ये लगभग आपको 10,000 के अराउंड में पड़ता है। तो मैं आपको इसका परचेज ऑनलाइन लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो गाइज, मैं आपको इसका परचेज ऑनलाइन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि अमेजोन का है। और ये लगभग 10,000 के अराउंड में आता है, बहुत सारे वेरियंट्स में, तो सबका प्राइस अलग अलग होता है। तो इसको लगाने के बाद आप बिल्कुल भी अपने पीसी को स्क्रीन टच पाओगे और उससे स्क्रीन टच यूज कर पाओगे। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमें कमेंट करें, और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये कैसा लगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।